गरियाबंद पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में पत्रकारों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गरियाबंद उप पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर, एसडीओपी पुलिस संजय ध्रुव, आरआई उमेश राय, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सत्येंद्र श्याम सिंह उपस्थित थे। इस अवसर पर गरियाबंद पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने कहा कि पत्रकार भी पुलिस परिवार का एक अंग है, लगातार हमारे सुख और दुख में साथ बने रहते हैं और पुलिस जवान और अधिकारियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखते हैं। पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकार हमारी सूचनाओं को आम जनों तक पहुंचाकर अपराधियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अपराधियों की तस्वीर और समाचार छपने के बाद अनेक लोग इससे जागरूक होते हैं, जिससे आम जनों को काफी फायदा होता है। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आम जनों को अधिक से अधिक फायदा हो तथा जिला अपराध मुक्त बने रहे। सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। कई ऐसी घटनाएं जो दबी रहती है, उन्हें पत्रकार अपने लेखनी के माध्यम से सामने लाते हैं। पत्रकार और पुलिस का संबंध एक परिवार की तरह शुरू से रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल माथुर ने पत्रकारों को सम्मानित करते हुए दीपावली पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर गरियाबंद के वरिष्ठ पत्रकार फारूक मेमन, मनोज वर्मा, जीवन एस साहू, ज्ञानेश तिवारी, राकेश साहू, थानेश्वर साहू, शिव भेलपारिया, बलराम नायक, नंदू फुलझले, लोकेश सिन्हा, अनीस सोलंकी, हिमांशु संगाड़ी, फरहज मेमन, प्रदीप बराई, दीपिका बराई, सुनील यादव, चंद्रहास निषाद, मनोज गोस्वामी, अश्विनी सिन्हा, राकेश देवांगन, मुकेश देवांगन, राजकुमार सोनवाली, गोविंद तिवारी, लोकेश्वर सिन्हा उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी पत्रकारों ने पुलिस परिवार के सुखमय जीवन की कामना की।